Hey guys, it's your Trisha and आपसे बहुत टाइम हो गया मिले हुए. चौक क्यों रहे हैं? मैंने ये क्यों पहना ये सोच रहे हैं. आपको पता है कि इस क्वारंटाइन की वजह से हम बाहर तो नहीं जा सकते, पर खुशियाँ तो आ सकती है ना बाहर. तो खुशियाँ मनाने के लिए मैं सुबह उठ के ऐसे रेडी हो के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है. एंड मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये क्यों पहना है. एंड मुझे बहुत पसंद है बंगाली ट्रेडिशन एक्चुअली, कि मेरा दुर्गा पूजा एक्चुअली मुझे मेरा फेवरेट फेस्टिवल है. इवन दो आई एम ए टिपिकल ओडिया, फिर भी मुझे बंगाली ट्रेडिशन बहुत पसंद है. सबसे ज़्यादा तो संदेश, क्योंकि ना आपको पता है मीठा सबको पसंद होता है, जैसा मुझे भी है. एंड इसीलिए मैं पहनी हुई हूँ आज ये जो क्लॉथ है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे, पर साड़ी. सो दैट्स राइट. सो आप मेरा पूरा लुक देख लीजिए, मैंने क्या क्या पहना है. आपको तो पता ही होगा कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, क्योंकि ना इस दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था. एंड हम होप रखते हैं कि इस साल दुर्गा माँ इस कोरोना वायरस का वध कर दें. एंड हमारी सिटी में भी तो अच्छे से मनाया जाता है दुर्गा पूजा, बट इस साल सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. फिर भी क्या हुआ, आप अपने घर पे भी ऐसे तैयार हो सकते हो. एंड आई विल सजेस्ट यू दैट कि आपको भी ऐसे रेडी होना चाहिए. बहुत सारे धुआं, आपको भी रेडी होना चाहिए. एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. मुझे बचपन से शौक था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं. मैं बंगालीज के बारे में बहुत सोचती थी. एंड देखिए आज मेरे सपना पूरा हो रहा है, मैं ये पहन के घूम रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ. एंड हमारे जो नाइबर थे हमारे घर के पास, तो उनसे मैं हमेशा उनके घर जाती थी, उनके घर रहती भी थी एक दिन जब मैं बहुत छोटी थी. एंड सो उनसे ही मैंने कुछ बंगाली वर्ड्स सीख लिए थे. एंड इसीलिए मैं कुछ बंगाली के बारे में बोल पा रही हूँ, वरना नहीं बोल पाती, कि अगर मेरा वो नाइवर नहीं होते तो. एंड सो देख, एंड उड़ीसा में हार्डली कुछ ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे दुर्गा पूजा अच्छे से मनाया जाता है. अब कटक को ही ले लो, कटक में एक पूरा चांदी का पंडाल बनता है जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है. सो इसलिए आई लाइक कटक पूजा. और भीड़ तो पूछो ही मत, क्या भीड़ लगती है वहाँ पे, कदम भी नहीं डाल सकते, इतना भीड़ लगता है वहाँ पे. हमारी जो सिटी है बालेश्वर में, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा मनाया जाता है. मुझे बहुत पसंद है दुर्गा पूजा जाना, मेला लगता है वहाँ पे, मुझे जाना पसंद है. पर इस साल कुछ डिफरेंट है, कुछ नहीं बहुत कुछ डिफरेंट है. इस साल माता आई है पर उनके भक्त नहीं जा सकते, पर कोई बात नहीं, हमारा अफेक्शन तो जा सकता है ना. एंड और भी कोई बात नहीं, क्यों ना हम घर पे ही पूजा कर लेंगे, वो भी तैयार होके जैसे मैं कर रही हूँ. एंड मुझे बहुत ही मज़ा आता है दुर्गा पूजा में, जब भी मैं घर पे मज़ा कर सकती हूँ. भगवान तो हर जगह होते हैं, आप जहाँ पे देखो भगवान होते हैं. आई हैव समथिंग टू शो यू गाइस, माय फ्रेंड इज़ विथ मी, सो मैं आपको दिखाती हूँ. नमस्कार. सो ये है मेरी बहन, बोलने वाली थी सॉरी, ये है मेरी फ्रेंड. एक्चुअली हम थोड़े मतलब डिफरेंट रेडी हुए हैं. ये मारवाड़ी, क्या बोल रही हूँ, ओडिया में बोलने वाली थी, आपको समझ नहीं आएगा. सो ये गुजराती स्टाइल में रेडी हुई है एंड मैं बंगाली, क्योंकि ना नवरात्र गुजराती का होता है एंड दुर्गा पूजा बंगालीज का. सो इसलिए हाउ यू आर फीलिंग हियर? हाँ, मैं अच्छी फीलिंग कर रही हूँ. ओके नाइस. अभी यहाँ से जाने वाली है, क्या होगी इस साल मेरी यही विनती रहेगी माँ से कि इस जो वायरस यहाँ पे चल रहा है ना, वो उठ जाए यहाँ से, मतलब उठा ले भगवान से. एंड मैं ज़रूर माँ से प्रे करूँगी कि आपके चाहने वालों को हेल्दी सेफ एंड खुश रखे. सो यही मेरी प्रार्थना रहेगी. एंड मैं ये भी प्रार्थना करूँगी कि मैं आपसे कंटिन्यूसली मिल पाऊँ, ऐसे वीडियो बनाती रहूँ, आपको खुश करती रहूँ. मेरी यही प्रार्थना रहेगी.
आपका और मेरा सिलसिला ऐसा ही बना रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उससे दबाना मत भूलिएगा एंड लाइक बटन भी दबा दीजिए अभी के अभी। एंड वंस अगेन आई हैप्पी दशहरा, बाय।